सभी दोस्तों चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूंगा सारे के सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। जो भी आपका अपना कार्य है बिल्कुल मस्त तरीके से करे होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं भाई हरियाणा ग्रुप डी की कट ऑफ पर। काफ़ी साथियों के मेरे पास मैसेज आए कि आप भी दोबारा से आंसर की के बाद अपडेट कीजिए कि हरियाणा ग्रुप डी में क्या स्कोर बन सकता है। तो मैंने आंसर की के बाद सभी यूट्यूबर्स का एनालाइज किया, आपके मैसेजों को भी काउंट किया, उसके बाद मैं आपको अपडेट साझा कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो भी जानकारी दी जाती है पूर्णतः प्रयास किया जाता है कि आपको सटीक जानकारी दी जाए। तो यहाँ पे आपके सवाल भी लिए जाते हैं भाई। अगर आपका हरियाणा सीटी ग्रुप सी ग्रुप डी संबंधित कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें काफ़ी मिला हुआ है। लेकिन 10 में से सिर्फ एक साथी चैनल को सब्सक्राइब करता है, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करो। तो आपका कोई भी डाउट है नीचे ज़रूर बताइएगा भाई। तो आज की बात कर लेते हैं आंसर की के बाद सभी यूट्यूबर्स का एनालाइज क्या है, 65+ का चांस क्या है, 55+ का भी एनी चांस है क्या है? बिल्कुल स्टिक जानकारी देंगे भाई, कंप्लीट वीडियो देखना। कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। वही बात है भाई, देखो हम न्यूज़ को देखते हैं तो जो न्यूज़ हमें अच्छी लगती है हम उसी को देखते हैं। तो न्यूज़ वाला ही काम है, मेरी पर्सनली राय है। तो मैंने सभी का एनालाइज करके अपनी राय रखी है, तो सभी अपनी अपनी राय रखते हैं भाई। अगर आपको राय अच्छी लगी तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं भाई आज की जो कट ऑफ है उसमें क्या स्कोर बन सकता है आपका। तो हरियाणा ग्रुप डी के लिए बात की जा रही है भाई। नॉर्मलाइजेशन की वीडियो तो आप हमारी पिछली वीडियो देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ग्रुप डी पे नॉर्मलाइजेशन, चाहे आप हरियाणा की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन संबंधित सवाल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक बार ग्रुप डी कट ऑफ की जो पहले वीडियो बनाई है उसको भी देख लेना, ठीक है ना भाई। दो वीडियो आपके लिए काफ़ी है, चिंता मत किया करो। जो आपके सवाल होते हैं, जो ज़्यादातर ऑथेंटिक सवाल होते हैं, उन पर हम आपको अपडेट कर देते हैं। तो बात करते हैं भाई आज की जो कट ऑफ है हरियाणा ग्रुप डी में आपका जो स्कोर है वो क्या रह सकता है कट ऑफ के बाद, ठीक है ना। तो जर्नल के जो आपके नंबर बने हैं वही देखो, मैंने 65+ की तो बता ही दिया था, ठीक है ना। तो 65+ वाले जो साथी है उस वीडियो को देख लेना भाई, कंप्लीट वीडियो को देखना और नीचे कमेंट बॉक्स में राय देना। कोई भी आपका डाउट रहेगा तो मैं फिर दोबारा से आपको अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जर्नल का अगर स्कोर आंसर की के बाद देखो भाई, जर्नल का स्कोर 68, 70, 65 ये बना हुआ है ना। तो यहाँ से हम स्कोर का आकलन करके आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जर्नल का जो स्कोर है भाई आपका अगर 68 बना हुआ है तो आपकी जो लिस्ट लग सकती है 68+5 इसमें ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें माइनस प्लस हो सकता है। तो 68+5 फिलहाल का मैं आपको आकलन बता रहा हूँ जर्नल का। तो जर्नल का जो आपका स्कोर बनेगा 68+5, जिस भी साथी का इसमें स्कोर बन रहा है 68+5 में, तो उसका भाई हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं भाई जो BCA कैटेगरी के हमारे साथी हैं, BCA कैटेगरी वाले साथी भाई, कैटेगरी वाइज नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि तभी आंकलन निकलेगा ना। तो कई साथी डायरेक्ट बता देते हैं तो कैटेगरी वाइज में ज़्यादातर पूछना पसंद करता हूँ। तो BCA वाले साथी हैं जो हमारे BCA के भाई हैं, तो BCA के भाइयों का स्कोर अगर 63+5 बन रहा है ना भाई, तो वो क्या है, बिल्कुल सेफ हैं फिलहाल, फिलहाल की बात की जा रही है। क्योंकि भाई मैंने सभी का एनालाइज किया है, किसी को अच्छी लगे तो लाइक कर देना, किसी को ठीक नहीं लगे वो डिसलाइक कर देना, स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो बात करते हैं BCB का स्कोर क्या बन सकता है। तो BCB वाले भाई हैं जो, उनका स्कोर क्या बन सकता है हरियाणा ग्रुप डी में। तो भाई आपका जो स्कोर है अगर हरियाणा ग्रुप डी में 66+5 है तो आप सेफ हैं भाई, ठीक है ना। 66+5 है तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर बना रहे हैं अपना, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। तो SC वाले भाइयों का अगर स्कोर, बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, SC वाले भाइयों का अगर स्कोर है भाई 62+5 बना हुआ है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं भाई। 62+5 अगर आपका स्कोर है SC भाइयों का तो बिल्कुल सेफ जोन में है। अब बात करते हैं भाई हमारे एक्स सर्विसमैन जो भाई हैं, अगर उनका स्कोर भाई 45+5, ठीक है ना, आंसर की के बाद, उसमें तो मैंने आपको 38+ ही बता दिया था सिर्फ क्वालिफाई, क्योंकि वो ग्रुप सी में भी जाएंगे, क्योंकि 19 दिसंबर आपकी एम डेट है, आपके 9 ग्रुपों की यज्ञा मिलेगी जिसमें आपका कितना है भाई 11,990 जो आपके पद हैं
वो खाली रहेंगे यानी वो भर जाएंगे। तो लगभग ये जो साथी हैं इन्होंने ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया है, तो ये ग्रुप डी के जो साथी हैं भाई ग्रुप सी में चले जाएंगे और आपकी लिस्ट क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। तो डाउन आपकी लिस्ट आएगी तो इसमें एक्स सर्विस मैन भी भाई हैं, तो इनका स्कोर अगर फिलहाल एक्स सर्विस मैन भाइयों का स्कोर अगर 45+5 बना हुआ है तो आप सेफ जोन में हैं भाई, ठीक है ना। बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई हमारे पीएच भाई, फिजिकल हैंडीकैप भाई हैं, जो दिव्यांग भाई हैं, इनके साथ भाई क्या होता है, इनके साथ होता है ये एग्ज़ाम में क्या ले सकते हैं, हेल्पर ले सकते हैं। तो इनकी लिस्ट थोड़ा क्या होता है, क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी से संबंधित है, पीएच वीएच एचएच, ठीक है ना, इनकी अलग अलग लिस्ट लगती है। तो ये अपना जो स्कोर बनाएंगे, फिलहाल अगर इनका स्कोर 55+5 हुआ है तो ये कहीं ना कहीं सेफ जोन में है भाई पीएच भाई, ठीक है ना। तो मैंने लगभग मोस्टली आपको बता ही दिया। तो ए कैटेगरी हमारी बचती है भाई कौन सी, ई डब्ल्यू एस कैटेगरी वाले जो साथी हैं, अगर आपका स्कोर बन रहा है 68+5, ठीक है ना भाई, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो 68+5 या 68 में माइनस एक कर सकते हैं, 67 भी कर सकते हैं। तो 67+5 अगर आपका स्कोर है तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं दोस्तों। तो मैंने आपके लिए ये, आपका स्कोर अगर अनुस्वर की के बाद इतना बनता है तो आप अपना ग्रुप डी में सेफ मान सकते हैं। और डीवी के जो आपके नंबर रहेंगे उसके बाद कट ऑफ क्या आएगी उस पर भी अपडेट करेंगे अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि मैंने ये स्कोर की अपडेट आपको की है आंसर की के बाद। तो डीवी में जो दोस्तों आपकी लिस्ट लग सकती है वो कितने पे जाएगा फाइनली वो भी आपको बता देंगे अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं आपकी इच्छा ही पे अपडेट पे क्योंकि मैं आपकी इच्छा पे अपडेट लेकर आता हूँ। तो पूर्णतः प्रयास यही रहता है कि आपको यहाँ पे स्टिक जानकारी दी जाए। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना, पीछे की जानकारी जरूर देखा करो क्योंकि आपके सवालों पे ही अपडेट की गई है। तो आप एच टेट एग्ज़ाम के साथ ही, जो एच टेट एग्ज़ाम के लिए हमने हरियाणा जी के काफ़ी डाली हुई है, हरियाणा जी के जिलेवार भी देख सकते हैं, वनलाइनर क्वेश्चन भी है, एम सी यू क्वेश्चन भी है। बिल्कुल भाई प्रैक्टिस करते रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम है जो आपका नेक्स्ट सी टी वी होना है, जनवरी में पोर्टल खुल जाएगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी नेक्स्ट होना है, ठीक है ना भाई, नेक्स्ट ग्रुप डी भी होगा, ग्रुप सी भी होगा। ये जो आपकी भर्ती हुई है 13,500 की, ये किस के लिए हुई है, ये आपके लोकसभा चुनाव के लिए हुई है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। लेकिन मामला ये है अगर ग्रुप सी की भर्ती पहले होगी ना तो आपकी ग्रुप डी की लिस्ट जाएगी डाउन, तो कहीं ना कहीं फिर साथी ग्रुप डी को छोड़ देंगे। अगर ग्रुप डी की भर्ती पहले होती है और बाद में ग्रुप सी की होगी तो ग्रुप डी के पद बाद में खाली होंगे, फिर काउंट होकर आएंगे, दोबारा से भर्ती आपकी कन्फर्म है, आएगी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप हरियाणा की आगामी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहा करो, क्योंकि जो शुरुआत से बच्चे मेहनत करते हैं उन्हीं को फल मिलता है। जो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा वो भाई कुछ के हकदार रहेंगे। तो जो साथी पूरा पाना चाहते हैं भाई, जो पाना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से आपने ये मान के चलना है कि एक दिन तो आपका एग्ज़ाम होना ही है, चाहे आज हो चाहे कल हो। तो भाई ये थी आपके लिए जानकारी, अगर आपको जानकारी में कुछ भी त्रुटि दिखे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपका जो स्कोर बन रहा है हरियाणा ग्रुप डी में, ठीक है ना, ईमानदारी से बता देना। और ये जो कट ऑफ की वीडियो है दोस्तों अनुस्वर की के बाद है, अगर आपको डीवी के जो स्कोर है उस पर भी अपडेट लेनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके लिए नेक्स्ट अपडेट देने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हरियाणा सिटी ग्रुप सी ग्रुप डी संबंधित पूरी पूरी जानकारी दी जाती है, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड पे मैंने आपके बीच अपनी राय रखी है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, स्टे होम, बेस्ट ऑफ लक।